हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है काजल, मेरे चैनल का नाम है काजल मेकओवर्स। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर देना। आज हम वेडिंग गेस्ट मेकअप करने वाले हैं, तो वीडियो शुरू करते हैं। सो आई ऑलरेडी प्रेप माई फेस। तो सबसे पहले मैंने अपने फेस पे फिटमी का फाउंडेशन अप्लाई किया है। इसको डॉट डॉट करके आप अपने फेस पे अप्लाई कर लें। मैंने अपने फाउंडेशन ब्रश की हेल्प से इसको अपने फेस पे अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। आप चाहो तो ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से भी अपने फाउंडेशन को ब्लेंड कर सकते हैं। साथ साथ में आपको अपने नेक पे भी अच्छे से फाउंडेशन अप्लाई कर लेना और उसे ब्लेंड कर लेना है। यहाँ पे मैं अपनी अंडर आईज को ब्राइटन अप करने के लिए कंसीलर यूज कर रही हूँ। इस कंसीलर को मैंने अपने ब्रिज ऑफ द नोज, फॉरहेड एंड चिन पे अप्लाई किया है। अपनी फिंगर की हेल्प से मैंने इसे अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। मैंने अपनी आईज़ के ऊपर भी अच्छे से कंसीलर अप्लाई कर लिया ताकि मैं अपने आई शेडो के लिए एक अच्छा सा बेस बना सकूं। लूज पाउडर की हेल्प से मैंने अपनी अंडर आईज़ को अच्छे से कंसील कर लिया है और उन्हें अच्छे से सेट भी कर लिया। इसके बाद बारी आ जाती है आईब्रोज फिल करने के लिए। मैंने डार्क ब्राउन कलर से अपने आईब्रोज को अच्छे से फिल कर लिया। जो भी मेरी आईब्रोज में गैप थे मैंने उनको अच्छे से फिल कर लिया है। इसी तरीके से दूसरी आईब्रो भी फिल कर ली है। स्पूली की हेल्प से अपने आईब्रोज को कॉम किया ताकि एक्स्ट्रा प्रोडक्ट हट जाए। सबसे पहले मैंने ट्रांजिशन शेड के लिए एक लाइट ब्राउन कलर का शेड अप्लाई किया है और इसे अच्छे से अप्लाई करके ब्लेंड किया है। फ्लैट ब्रश की मदद से मैंने एक डार्क ग्रीन कलर का आई शेडो अप्लाई किया है। जो भी आई शेडोज मैंने यूज किए हैं वो उसकी पिक्चर में साइड में लगा दूंगी। धीरे धीरे करके अपने कलर इंटेंसिटी को बढ़ाना। आउटर कॉर्नर्स को डार्क करने के लिए एक ब्लैक आई शेडो मैंने अप्लाई किया है। क्लीन ब्रश की हेल्प से आपको अपने सारे एजेस को एक क्लीन ब्रश की हेल्प से सारे कलर्स को आपस में मर्ज कर दीजिए। इसके बाद मैंने अपनी सेंटर ऑफ द आई पे एक डार्क ग्रीन कलर का आई शेडो अप्लाई किया है। इसके बाद मैंने अपनी सेंटर ऑफ द आई पे मेटालिक शेड ग्रीन कलर का अप्लाई किया है। लुक को थोड़ा और इनहेंस करने के लिए इसमें मैंने ग्लिटर्स अप्लाई किए हैं। लोअर लैश लाइन को ग्रीन कलर से मैंने स्मोक आउट किया है। ब्लश के लिए मैंने ऑरेंजिश ब्राउनिश कलर का ब्लश अप्लाई किया है। मैंने यहाँ पे एक विंग लाइनर अप्लाई किया है। लोअर लैश लाइन पे ब्लैक कलर का काजल यूज किया है। मैंने जितने भी प्रोडक्ट यहाँ पे यूज किया है मैं उनके सबके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। उसके बाद मैंने अपने चीक्स पे ब्रिज ऑफ दी नोज और चिन पे हाइलाइटर अप्लाई किया है। शाइन देख रहे हो कितनी अच्छी आ रही है। एंड हियर इज माई फाइनल लुक। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक जरूर कर देना ताकि आपको आने वाले टाइम में ऐसे अच्छी अच्छी वीडियो हमेशा मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।